ऑलराइट, तो कैसे मेरे सगे दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो में मुझे एक कॉपी मिल गई है, तो भाई साहब लेट्स गो। अब क्या शोकेस करने के लिए एक यूनिट मिल गया, तो भाई साहब गोकू मिल गया फाइनली मुझे। और आप जैसे देख सकते हो भाई साहब 3 स्टार है अभी, और उसको मैं धीरे धीरे अगर मैं अभी इसमें सब सामान करूंगा मैं, क्योंकि गोकू अच्छा यूनिट है यार। गोकू इज वेरी गुड यूनिट, डेफिनेटली आई थिंक ये अपग्रेडेड वर्जन है 17 एंड्रॉयड 17 का। और ये मत सोचना कि मतलब GT का कोई अच्छा यूनिट नहीं आया। देखो अभी GT कैंपेन चल रहा है, और देखो उन्होंने पहले GT को बिल्ड करना शुरू किया, क्योंकि GT का जो मेंटेनेंस था ना, उसको शुरू से ही सही करना है एक्चुअली। ये नहीं कि आप पहले कोई अच्छा ऐसा करेक्टर दे दो जो मतलब ताबड़ तोड़ो, तो वो चाहते हैं कि GT की एक प्रॉपर टीम बने। लाइक अगर एक 17 जैसा यूनिट अगर आ गया, और उसके बाद में कोई एक ऑफेंसिव यूनिट जैसे बेबी आ गया, बेबी 2 का कोई LFA अल्ट्रा आ गया, तब जाके एक GT वेल स्टैब्लिश टीम बन जाएगी। गोजिटा का जेनकाई वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और गोगू भी बहुत बढ़िया है। तो अब GT को केवल एक और अच्छे यूनिट की ज़रूरत है जो GT की टीम को कंप्लीट कर सकता है। तो फाइनली हम यहाँ पर आ गए हैं, और किट मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है किट एक्सप्लेनेशन में, तो आप मेरे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से सीधे हमारे डिस्कॉर्ड पर चले आओ। कोई भी प्रॉब्लम है, हम वॉइस चैट पे अवेलेबल होते हैं, आपको हेल्प करेंगे स्पार करने में, रेड करने में। कोई भी प्रॉब्लम है आप वहाँ सकते हो, बेस्ट इंडियन DBL कम्युनिटी है। तो यहाँ पर आप सामने देख सकते हो कि कौन सी टीम पे यूज़ कर रहा हूँ मैं। गोहान को ऑन द बेंच रख रहा हूँ, क्योंकि टॉक्सिक मेटा है, मैं ज़्यादा अगर लूज टीम प्ले जाऊँगा तो भाई स्किल के भरोसे जाऊँगा तो पिट जाऊँगा, ठीक है। तो एज अ लीडर स्लॉट बीस्ट ऑन द स्लॉट और लीडर स्लॉट, और बाकी आप देख ही रहे हो G4 मेरा 9 स्टार हो गया। आप मेरे इक्विपमेंट्स भी देख सकते हो जो मैं रिकमेंड करूंगा आपको गोकू पे यूज़ करने के लिए, और ये सारे इक्विपमेंट मैं यूज़ करने के लिए बोलूंगा मैं आपकी फॉर्मेशन में। देखिए सबसे मेन चीज़ ये वाला है, आप इसके लिए जा सकते हो ब्लास्ट अटैक के लिए। 32 बेस स्ट्राइक और ब्लास्ट है, दोनों से आपको कुछ भी मिल सकता है, क्योंकि ब्लास्ट ओरिएंटेड टाइप का गोकू है, तो मैंने इस पर ब्लास्ट ही ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश की है, पर मैंने इसको बैलेंस रखा है, ठीक है। क्योंकि इसमें यह डिफेंस यूनिट है, तो इसको मैंने डिफेंस देने की कोशिश की, क्योंकि 3 स्टार का यूनिट है। तो पहले अगर 3 स्टार का आपका 3 या 6 का भी है, तो आप कोशिश करो कि एक डिफेंस देने की उसको, ठीक है। सॉरी, तो बीच में मुझे इंटरप्ट होना पड़ा था, क्योंकि मैं ऑफिस में बैठ के वीडियो बना रहा था, तो समझ सकते हो यार। तो देखो मैं बता सकता हूँ कि डिफेंस यूनिट है, आप उसको डिफेंस देने की कोशिश करो, और सबसे बेस्ट इस टाइम यही रहेगा, क्योंकि GD मेटा चल रहा है। और इसको आप लाइक देखो, पहला स्लॉट था आपको 32% तक का बेस ब्लास्ट था, मेरे को मतलब जो भी है और स्ट्राइक भी है। उसके बाद जो सेकेंड स्लॉट है, उस पर आप डिफेंस देख सकते हो, प्योर डिफेंस है ये, ठीक है। 12% तक का 12 डिफेंस देख सकते हो आप, और ये तब मिलता है जब कोई सैन्य बैटल आपका मेंबर रहता है, तो आप G4 के साथ इसको मैचअप कर सकते हो। फिर तीसरा स्लॉट में आप ब्लास्ट डिफेंस देखने को मिलता है प्योर। उसके बाद अब ये तब होगा जब हाइब्रिड आपका कोई मतलब मेंबर हो, तो गोहान मेरा हाइब्रिड हो गया, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो गया। उसके बाद दूसरा इसको आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर भी बेस्ट ब्लास्ट डिफेंस देखने को मिलता है, स्पेशल मूव डैमेज देखने को मिलता है, स्ट्राइक देखने को मिलता है, और यहाँ पर और स्ट्राइक देखने को मिलता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको और बैलेंस करने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पर मैं हेल्थ रिस्टोरेशन दे रहा हूँ, क्योंकि ये हेल्थ काफ़ी रिस्टोर करता है, तो मैंने इसको काफ़ी यहाँ पर हेल्थ रिस्टोरेशन और प्लस और डिफेंसेस देने की कोशिश की है। ये इक्विपमेंट आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, यहाँ पर एक GT का भी इक्विपमेंट है, मैं आप बोलूँगा वो रिकमेंड कर सकते हो वहाँ पर, उसको अब मोर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आपको वहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये वाला नेगोशिएट कर सकते हो। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, मैं बताऊँगा कि कौन सा आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। एक GT का है जिसमें SS4 गोकू बना हुआ है, उस पर आपको हेल्थ रिस्टोरेशन और डैमेज देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये टीम के साथ मैं अब जाऊँगा PP करने, तो लेट्स जंप इनटू द PP, देखते हैं हमारा PP में मैचेस कैसे होता है। एक तो फर्स्ट मैच आ चुका है हमारा, फर्स्ट मैच आप अगेंस्ट देख रहे हो कि जो मेरी टीम बनाई है, देखो वैसे ही टीम चल रही है, सैंस हाइब्रिड। वैसे भी मैं आपको पता है कि हर मैच में आपको गोकू UI गोकू देखने को मिलेगा, और साथ में आपको उसके पेयर में आपको ये बीस हान भी देखने को मिलने वाला है। तो वाइजलेस स्विच देखते हैं कितना डैमेज कर सकता है बंदा। ओके, थोड़ा सा ना मैच लैगी है यार, बंदा और लैग कर रहा है बहुत मुश्किल से यार। सीजन स्टार्ट हुआ है और मतलब मैचेस अच्छे मिलने मुश्किल है। ओवर क्लिक कर दिया मैंने। ओके, तो अभी मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे कि डिफेंस वाइज आप देख रहे हो, और भाई जैसे मैंने देखा था कि हेल्थ रिस्टोरेशन, और ये मैं भूल जाता हूँ यार, मतलब मैं ज़्यादा मैचेस नहीं खेल रहा ना, तो मेरे दिमाग से ये चीज़ स्लीप कर जाती है बार बार कि मतलब ये कवर चेंज पे ये नलीफाई करके अल्टीमेट मार देगा। तो यहाँ पर इसकी परीक्षा है कि इसको सर्वाइव कर पाते हैं, 3 स्टार ही है और हमने डिफेंस दिया इसको, तो भाई सर्वाइव कर गया, ये अच्छी बात है, और हील भी कर गया। तो ये इसी बारे में बात कर रहे थे कि आप इसको हेल्थ रिस्टोरेशन दो, और जिसका मैंने बताया था जो मिडिल स्लॉट है उसको आप चेंज कर सकते हो, दूसरा एक था SS4 का उसके साथ।
ओके लेट्स सी. ओके ओके ओके. तो डैमेज वाइज से कि एंड्रॉयड 17 था वैसा ही है, बट डिफेंस भी एकदम एंड्रॉयड 17 जैसा ही है. कोई भी मुझे लगता है कि ज़्यादा कमी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें सिमिलरिटी है उनकी. गॉस की बोल सकते हो कि गॉस भी दोनों की एक बार ही भरती है, और लेकिन 17 की जो गॉस थी वो ज़्यादा ओपी थी मेरे ख्याल से. ओके तो ये चीज़ था. और यहाँ पर ये भाई साहब जीप हो का शोकेस बन जाएगा लगता है भाई. इसका डैमेज आउटपुट और रहता है लेकिन यहाँ पर टाइप हो गया. देखते इसको फिनिश कर पाता है कि नहीं. ओके तो ओके ये तो 30% हील भी कर गया, स्विच भी कर दिया बंदे ने भाई. इंटरेस्टिंग. तो आई थिंक ये तो नहीं मरेगा. आई थिंक 50% तक पी एच पी चली जाएगी. भाई क्या वन शॉट हो भाई, क्या था एक 12000 एच पी से बच गया भाई यार. ओ भाई साहब उसका 20000 स्टार नहीं था फिर भी, मतलब ऐसा नहीं कि मैं भी वेल हूँ और मेरे 14 स्टार हुए, बट लेट्स गो भाई. भाई जीप हो मैंने से बोल रहा था गाइस, जीटी बिल्ड हो रही है और नेक्स्ट यूनिट जीटी को ना और ये खा जाएगा. ओ भाई देखते हैं यहाँ से, देखो भाई क्या सीन होता है. ये फिनिश वन शॉट हो पाता है कि नहीं, वन शॉट. ओ भाई सब लेट्स गो, यूआई था लेकिन वन शॉट, स्टिल वन शॉट, 3-स्टार यूनिट, मतलब ओपी है भाई ओपी. ओके नाइस नाइस नाइस. तो यहाँ पर 2-3 इक्विपमेंट है जहाँ आप उसको दे सकते हो. गोकू का एक और इक्विपमेंट है जहाँ पर आपको उसको अल्टीमेट और आपको लाइक होता है. तो यहाँ पर आप इस बगल वाला स्क्रीन पर भी साइड में देख सकते हो कि यहाँ पर इसका स्पेशल अल्टीमेट मुझे वैनिशिंग गॉज भी मिलता है, डिफेंस भी है. तो ये वाला इक्विपमेंट के लिए जा सकते हो. मैं बोलूँगा कि वो जो मिडिल स्लॉट है उसके बदले आप जो भी प्रेफरेंस अच्छा रखते हो उसके लिए जा सकते हो. मैं भी इसके बाद चेंज करूँगा, स्पेशली मैं वही वाला इक्विपमेंट रखने वाला जहाँ उसको वैनिशिंग गॉज और स्पेशल और अल्टीमेट डैमेज मिलता है. आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है. तो ये आप कुछ चॉइसेस हैं. फिर भी अगर डाउट होती है तो मुझे बताया कि इस डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्कॉर्ड की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से सीधे आप चले जा सकते हो. और ये बच गया भाई, कितनी बार ये बचेगा भाई ये. ओ ये देखो भाई साहब नाइस. तो यहाँ पर ये बंदा फिनिश. तो ठीक है, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन अगर बोलो गोकू के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है. 3-स्टार पे तो भाई साहब कमाल है भाई, मतलब बहुत ही है. लेकिन 3-स्टार से काम नहीं चलेगा. और जैसे जैसे आप रैंक हाई करोगे तो आपको स्टार की ज़रूरत इवेंचुअली पड़ेगी, मतलब आपको चाहिए होगा कि 6 स्टार तो चाहिए होगा. जब तक वो बूस्ट ईयर में तो आपको 6 स्टार चाहिए होगा. तो अगर आपके पास अच्छा G4 है, G4 यूनिट अच्छा बिल्ड कर लिया आपने, और तो अगर GT भी फैन हो तो आप जा सकते हो. नहीं तो आप ऐसा कि है कि आप दूसरी टीम बिल्ड करते हो तो आप फुल स्किप कर सकते हो. सनफैम भी इसके लिए बहुत बेटर टीम होगी. आप सनफैम के लिए, मतलब मेनली तो GT के लिए ही बना है, तो सनफैम और GT. तो अगर GT लवर हो तो जा सकते हो. मैं जाऊँगा अभी, एक रोटेशन एक दो रोटेशन जा सकता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा सेव नहीं कर रहा. और आई थिंक ये फिनिश हो जाएगा, इसको प्रॉफिट कर देगा. मैं इसको अल्टीमेट मारता हूँ क्योंकि ये लास्ट ट्रेंड है. तो वजीटा ड्रॉ करता है एक अल्टीमेट, तो आई थिंक यस, आई थिंक ये LF ईजली है क्योंकि वो तो ब्लू में भी था. तो डेट्स इट. अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना मुझे कमेंट सेक्शन में. बताओ कि कैसा लगा आपको ये यूनिट और कैसे लगी आपकी शोकेस वीडियो. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और लेट्स जंप इनटू आवर नेक्स्ट मैच. देखते हैं हमारा नेक्स्ट मैच किसके साथ होता है. なかなか楽しめたぜ。ऑल राइट. तो हमारा सेकेंड मैच आ चुका है और सेकेंड मैच अगेंस्ट आप देख रहे हो कि जो मैं टीम बताया था आपको कि वो टीम ही आपको देखेगी. बीस्ट और यूआई और ऐसे ही टीम आपको देख सकती है. सनफेम डोमिनेट कर रही है मेटा, तो आई थिंक सनफेम ही आपको देखने को मिलेगी. और यहाँ पर मैं तुरंत गया, मुझे लगा बंदा नहीं जाएगा शायद, वो वेट करे. ओके एटलीस्ट चलो ठीक है, बीस्ट हान है. ओके यहाँ पर मैं स्विच करूँगा. आई थिंक मेरे पास पूरा काउंटर है एक तरह से इस उनकी इसकी टीम का. तो रेड था और फिर उसके बाद ग्रीन हो गया. ओके नाइस. तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से टैंक कर रही है बीस्ट. जो ब्लू वाला काफ़ी एज कर गया है वो भी 7-स्टार पर. तो मुझे नहीं था कि मेटा के लिए इतना रिलेवेंट है. तो यहाँ ये मैंने गलती कर दी यार, मतलब थोड़ा ध्यान से तब जाता है. न्यू यूनिट है तो मुझे लगा कि स्टाइल इसका कायोकेन सॉरी सोलो फ्लेयर जो होता है ये होता है. साइड स्टेप पे पकड़ सकते हो बट ठीक है, एटलीस्ट चलो ठीक है. यहाँ पर बंदा काफ़ी अच्छा खेल रहा है वैसे. ओके ओ मैं डायरेक्ट गया, मुझे पता था बंदा कुछ ना कुछ वेट कर रहा है ऐसे ब्लू कार्ड समथिंग लाइक. यहाँ पर मैंने ड्रॉप किया जानबूझ के. यहाँ पर शायद देखते हैं फिनिश कर पाता है क्योंकि बंदे को ज़्यादा हाई स्टार नहीं है, तो यह फिनिश होने के चांसेस ईजी हैं कि फिनिश हम कर सकते हैं. तो लेट्स सी कर सकते हैं कि नहीं वैसे. लेट्स सी क्योंकि G4 के पास बहुत अच्छे बफ थे और ये वन शॉट, मतलब वन शॉट नहीं बोलेंगे बट क्योंकि हाई स्टार नहीं बंदे के पास तो लाइक वन किल कर दिया इसने इजली.
तो यहाँ पर हम जाते हैं इसके लिए और देखते हैं इसको किल कर पाता है कि नहीं। वैसे 20 ने से बताया कि एज कर चुका है, तो आई थिंक नहीं टैंक करेगा। 1.4 मिलियन है, आई थिंक इजली किल कर सकता है। 3 स्टार का गोकू फिर भी कर सकता है क्योंकि बूस्ट ईयर यूनिट है, न्यू यूनिट है, और मैंने से बताया कि ख़त्म कर देगा। नाइस। तो यहाँ पर अरे ये गलती बार बार हो रही है यार, मतलब अरे यार छोड़ो, जो भी है आई थिंक बंदे का अल्टीमेट अभी भी है। ओके, तो आई थिंक फिनिश नहीं कर पाएगा, लेकिन क्लोज कर देगा एचपी के, लाइक लास्ट एचपी के, बट फिनिश नहीं होगा। अब भाई फिनिश, अच्छा मैं भूल गया था बब भी कैंसिल हो सकता है, फिनिश कर दिया था गाइस, तो ये गलती मत करना, थोड़ा अंडरस्टेमेट करके खेल दिया मैंने यूआई को। फिनिश कर दिया उसने, तो क्योंकि बफ कैंसिल कर दिया था तो उसका जो रिवाइवल पॉप नहीं हुआ, जैसे पता था 17 की तरह पूरी इसकी एबिलिटी है। और ये यार एक तो इतनी ठंडी है भाई साहब ना, कि मतलब मैं बताऊँ लिटरली कि कभी कभी ऐसा लगा कि मैंने कार्ड पे क्लिक किया, कार्ड क्लिक ही नहीं हुआ है ठंडी की वजह से, इतना कि हाथ काम नहीं कर रहे हैं। और ऐसा सीन हो रहा था कि मतलब मैचेस में, कि मतलब कई बार मैंने मैचेस खेले तो ये हुआ कि मैंने मैं कार्ड क्लिक किया, कार्ड क्लिक ही नहीं हो रहा है, हाथ वहाँ तक पहुँचा ही नहीं स्क्रीन तक। ओके, तो यहाँ बंदा डॉच कर जाएगा, अच्छा उसने डॉच नहीं किया था, वो वैनिश किया था। और यहाँ पर अल्टीमेट शायद हम ब्लू कार्ड भी मार सकते हैं, बट देखते हैं, हम अल्टीमेट नहीं आया, यहाँ ब्लू कार्ड कर सकते थे बट छोड़ो। ओ बंदा टैकल के लिए गया, तुरंत गया, वेट भी कर रहा था मैं, इस बात हुआ नहीं गया। चलो आई थिंक फिनिश नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे तीनों यूनिट जिंदा है, आई थिंक मैच जितना मुश्किल भाई के लिए, और ये ड्रॉप था। नाइस 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 नाइस। ओके, तो यहाँ उन्होंने जानबूझ के मरवा दिया मुझे ना ड्रॉप करेगा दोबारा। ओके, जीत नहीं सकता बंदा क्योंकि आई थिंक उसने रश रश यूज़ कर लिया, तो यहाँ पर फिनिश हो गया। यू आई वो 20 स्टार 20 स्टार में हम जाएंगे, और उसका गॉस भी खत्म हो गया, तो वो टॉच नहीं कर सकता, और यहाँ से आई थिंक फॉरफिट कर देगा बंदा। यस, तो ये मैच इजी पीजी विन हो गया। लेट्स जंप इनटू आवर नेक्स्ट मैचेस, और देखते हैं हमारा नेक्स्ट मैच कैसा है, किसके साथ। ऑलराइट, तो हमारा थर्ड मैच आ चुका है और ये लास्ट वीडियो मैच रहेगा इस वीडियो का। देखते हैं कि इसमें काफ़ी मतलब कमाल की टीम है, मतलब आप देख रहे हो कि दो रिवाइवल यूनिट है, क्योंकि जो गोकू और बार्डॉक एक रिवाइवल यूनिट ही समझ लो, और क्या है उसको तो एंडोरेंस बोल नहीं सकते, तो ऐसा रिवाइवल है जो इसको कैंसिल नहीं कर सकते, और आपको कोजिटस से कोई बफ नहीं मिल सकता, तो ये एक नया मैकेनिज्म से समझ लो कि एक ऐसा यूनिट जो रिवाइवल करता है बट कांट बी नलिफाइड बाय अदर अटैक्स, तो यही है। और भाई लेकिन डैमेज बहुत कर रहा है भाई साहब, बहुत डैमेज कर रहा है। यहाँ मैंने गलती शायद कर दी मेरे ख्याल से, अगर इसके पास ब्लू कार्ड होगा तो आई थिंक ये फिनिश कर सकता है। मुझे ये भी बता दें कॉमेंट सेक्शन में भाई लोग कि कैसा लगा आपको ये यूनिट, मुझे तो काफ़ी मतलब इंप्रेसिव लगा, और क्योंकि जीटी को बिल्ड किया जा रहा है तो ऐसा यूनिट देना बहुत ज़रूरी था, और ऐसा सोच के चलो कि हर यूनिट ब्रोकन नहीं बनाया जा सकता, अगर कोई ब्रोकन यूनिट नहीं बना तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूनिट बेकार है। जैसे कि एंड्रॉयड 17 था, बहुत ही अच्छा वेल डिज़ाइन यूनिट है, वैसे ही आई थिंक LF गोकू को भी डिज़ाइन किया गया है। अब बस देखना ये है कि जो नेक्स्ट अल्ट्रा होता है या फिर LF होता है वो काफ़ी कमाल का होना चाहिए, क्योंकि उसी के भरोसे GT बैठी है, और GT अगर ऐसा यूनिट निकालते हैं जो किसी की 20 स्थान के लेवल तक का होता है, तो आई थिंक GT को मेटा में मतलब आने से या बनने से काफ़ी टाइम तक कोई नहीं रोक सकता है, राइट। या फिर ये स्विच जरूर करेगा क्योंकि नहीं चाहता कोई 4 ड्रैगन बॉल मिले, आई नो इट। और यहाँ पर मैं अल्टीमेट यूज़ कर दूंगा क्योंकि इसकी पहले लाइफ चली गई तो मैं रश मारने में थोड़ा इजी हो जाएगा, यू नो। तो यहाँ पर यस, उसने स्विच नहीं किया, तो आराम से इसको अल्टीमेट को हम यहाँ पॉप कर देंगे, और मतलब पहली लाइफ ख़त्म कर देंगे, और कम से कम सेकेंड लाइफ आ जाएगी, सारे कार्ड डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। ओके, स्ट्राइक आ गया, ओके नाइस, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, बस इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दो, और हमारे कम्युनिटी से नहीं जुड़े हो तो हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे चले आओ, आपको कोई भी अगर गेम से रिलेटेड मदद चाहिए और कुछ भी है तो आप वहाँ आकर आप मुझसे हेल्प मांग सकते हो, वहाँ पर दोस्त बनाओ और उनसे मदद मांगो। तो दैट्स इट गाइज, मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, टिल देन गाइज बाय बाय, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल, सी या। また勝負しようぜ。